प्ले एज वर्क यानी कि खेल को हम अपने काम की तरह कैसे बना सकते हैं डू यू नो अबाउट एनी फेमस आर्टिस्ट स्पोर्ट्स पर्सन और माउंटेनियर क्या आप किसी फेमस आर्टिस्ट को यानी कलाकार को किसी स्पोर्ट्स पर्सन को या किसी माउंटेनियर स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि जो किसी खेल में खेल जो कोई खेल खेलता हो माउंटेनियर यानी कि जो पहाड़ चढ़ता हो क्या आप उसे जानते हो सम पीपल टेक अप स्पोर्ट्स एज देयर प्रोफेशन कुछ लोग स्पोर्ट्स को यानी कि खेल को ही अपने प्रोफेशन अपने काम की तरह करते हैं दे आर इधर एक्सेप्शनली गुड एट इट और आर ट्रेंड बाय एक्सपर्ट्स इन द फील्ड या तो वो बहुत ही अच्छे होते हैं यानी कि वो खुद से ही एक्सेप्शनली सबसे अच्छे होते हैं या फिर उनको एक्सपर्ट्स यानि कि जो लोग उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होते हैं वो, वो सॉरी उन एक्सपर्ट से ट्रेंड होते हैं और फिर उसमें अपने आप को प्रोफेशन बनाते हैं उस स्पोर्ट्स में अपना प्रोफेशन बनाते हैं जैसे कि सपोज मुझे वॉलीबॉल खेलना बहुत पसंद है और मुझे उसके अंदर अपना प्रोफेशन बनाना है तो पहले मैं उसको किसी एक्सपर्ट से सीखूंगी यानी कि जिसको वो गेम बहुत अच्छे से आता होगा उससे ट्रेनिंग लेके फिर मैं उसको अपना प्रोफेशन बनाऊँगी ऐट अ टाइम्स दे ऑल्सो रिप्रजेंट आवर कंट्री इन इंटरनेशनल इवेंट्स कुछ और कभी कभी हमें अपने आप हम उनको फिर अपने अपनी कंट्री को इंटरनेशनल इवेंट्स में भी रिप्रजेंट करना होता है यानी कि वर्ल्ड की, की वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज आती है कॉम्पिटिशन के लिए तो उसमें हमें अपनी कंट्री को रिप्रजेंट करना पड़ता है दर्श दर्शाना पड़ता है एंड ब्रिंग फेम टू दंट्री और अपने कंट्री का नाम रोशन करना होता है अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोर गेम कैरम इज़ अ इंडोर गेम विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स वॉज नॉट पॉपुलर इन अर्लियर टाइम्स यानी कि कौन सा ऐसा गेम है जो पहले के टाइम पे पॉपुलर नहीं था वो है कंप्यूटर गेम क्योंकि कंप्यूटर गेम तो अब पॉपुलर हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स द टाइम वैन वी आर नॉट वर्किंग और डूइंग अदर ड्यूटीज इज कॉल्ड लेजर यानी कि जिस समय हम कोई काम नहीं कर रहे होते या कोई ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहे होते तो उसको हम बोलते हैं लेजर द गेम्स दैट वी प्ले इन साइड अ क्लोज प्लेस आर कॉल्ड इनडोर गेम्स अब जिन गेम्स को हम अपने घर के अंदर या फिर एक बंद जगह पर खेल सकते हैं उनको हम बोलते हैं इंडोर गेम्स डैश इज अ गेम इन विच द प्लेयर कंट्रोल्स मूविंग पिक्चर्स ऑन अ स्क्रीन बाय प्रेसिंग बटन्स वीडियो गेम अब वीडियो गेम वो होती है जिसके अंदर एक प्लेयर अंदर जो सॉरी स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर चल रही होती है उसको कंट्रोल करता है एक रिमोट से जिसपे बटन बने होते हैं क्वेश्चन आंसर व्हाट इज रिक्रिएशन अब रिक्रिएशन क्या होता है रिक्रिएशन वो टाइम होता है जिसके अंदर हम कोई काम ना करके या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें इंजॉयमेंट हो जैसे कि हम पिकनिक पे जा सकते हैं या हम मूवी देखने जा सकते हैं या हम कोई बुक रीड कर सकते हैं राइट द नेम्स ऑफ टू आउटडोर गेम्स एंड टू इनडोर गेम्स यू प्ले अब कोई भी दो ऐसे गेम जो हम घर के बाहर खेलते हैं और घर के अंदर खेलते हैं आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं हमारे बैडमिंटन हो गया क्रिकेट हो गया और इनडोर गेम्स कौन से होते हैं कैरम बोर्ड हो गया और लूडो हो गया Why इज रिक्रिएशन important? अब रिक्रिएशन इसलिए important है कि अगर हम पूरे टाइम ही काम करते रहेंगे तो हम कितने थक जाएंगे तो रिक्रिएशन से क्या होगा हमें रिफ्रेशमेंट मिलेगी हमारा इन्जॉयमेंट होगा और हम खुश रहेंगे अब अरेंज द फॉलोइंग द इंडोर गेम्स इन द फॉर्म ऑफ द फ्रॉम द मोस्ट एशेंट टू द मोस्ट रीसेंट अब हमें इंडोर गेम्स को ऐसे लगाना है कि बहुत पुराने जो पहले गेम खेलते थे और तब से लेके अब तक यानी कि पुराने से नए तक तो पहले क्या खेला जाता था